आगे बढ़ते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों पर कुल 79 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा और बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। वोटिंग शुरू होने के बाद सीएम विजय रूपाणी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोगों से बढ़ चढ़कर मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही कांग्रेस के अहमद पटेल, क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा अपने परिवार के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया। साथ ही चुनाव की अहमियत को देखते हुए एक नया शादीशुदा जोड़ा भी वोट डालने पहुंचा। पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि आज हो रहे पहले चरण का मुकाबला बेहद दिलचस्प है, बेहद खास है। पिछले विधानसभा में 89 सीटों में से बीजेपी के पास 67 और कांग्रेस के पास 16 सीटें थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस और जनता दल के खाते में एक एक सीट आई थी, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार 2 सीटों पर विजयी हुए थे। इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबला पश्चिम राजकोट में है। यहां से सीएम रूपाणी जीत कर आए थे और उनको इस बार राजकोट से कांग्रेस उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु चुनौती दे रहे हैं। वे राजकोट पूरब से मौजूदा विधायक हैं।